आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश भर में किया शुभारंभ। कहा, जनपद में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% तक पा लिया गया है नियंत्रण। 2025 तक देश से टीवी को दूर करने का है लक्ष्य। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन के सभागार में किया संवाद। कहा, मन में विश्वास होना चाहिए कि कोई भी कार्य नहीं है कठिन, छोटी छोटी चीजें हैं महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांसगांव में स्थित नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का लखनऊ से किया वर्चुअल लोकार्पण। कहा, 18 जनपदों के 25 नवनिर्मित अग्निशमन केंद्र का हुआ लोकार्पण, नागरिकों को आगजनी की घटनाओं में सेवा पहुंचाने में होगी आसानी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को सदर सांसद रवि किशन ने दी बधाई। कहा, देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया बड़ा दिल। गैलेंट सरिया के निशुल्क भोजन वितरण वाहन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 1000 जरूरतमंद लोगों को करवाएगी शहर में घूमकर निशुल्क भोजन। राजस्थान के उदयपुर में हुई घटना पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह को लिखूंगा पत्र। दरिंदों को ना हो किसी तरह की सजा, केवल तत्काल हो फांसी। और बाबू मथुरा प्रसाद शीश महल धर्मार्थ ट्रस्ट के द्वारा जाफरा बाजार से पूरे शहर में निकाला गया भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुराणों के अनुसार जो रथ यात्रा में शामिल होकर खींचता है रथ, भगवान जगन्नाथ पूरी करते हैं मनोकामना।